रात सुती नी माने सपनो जी आयो मने हिचकी याद सतावे, रात सुती नी माने सपनो जी आयो मने हिचकी याद सतावे, जसूर वाली माजी सा मने अपरी याद सतावे, ओ जसूर वाली फटियाणी मा मने अपरी याद सतावे। तो हे गाइस, फिर से हाजिर है आपके सामने ट्विंस ब्लॉगर सिरोही एक नए ब्लॉग के साथ और एक नए जोश के साथ। तो आज हम राजस्थान के जाने माने सिंगर और एक बुलंद आवाज सोनू जी सिसोदिया का हम आज इंटरव्यू लेंगे हमारे व्लॉग के माध्यम से। हमारे राजस्थान के एक जाने माने सिंगर को तो और एक मोटिवेशन पर्सन है और आज हम उनके साथ मुलाकात करेंगे, उस इंटरव्यू में बताएंगे उनके बारे में। तो उन्होंने जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी थी, वीडियो बने रहना हमारे साथ और उन्होंने शुरुआत कहाँ से करी थी एंड उनकी जर्नी पूछेंगे। और आज मतलब हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए एक बहुत अच्छा दिन है कि राजस्थान के बहुत अच्छे सिंगर उनके साथ हम मुलाकात करेंगे। उनके भाइयों के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आके वो अपनी लाइफ के बारे में बताएंगे, उन्होंने सक्सेस कैसे हासिल करी। तो बने रहना इस वीडियो में, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए अभी आपको मिलवा रहे राजस्थान के जाने माने सिंगर सोनू जी सिसोदिया से। तो मैडम, आपकी सभी आपका बोली सिंगर से नमस्ते सभी को, और जितने लोग इस वीडियो से जुड़ रहे हैं मेरा नमस्ते, मेरा प्रणाम। मैं सोनू सिसोदिया कोसलाव से, और ट्विंस ब्रदर्स मेरा जो इंटरव्यू ले रहे हैं ये मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपका टर्निंग पॉइंट क्या है, आपने सिंगिंग कब से स्टार्ट की। जब मैं छोटी थी तब मतलब समथिंग आप समझ लो 7 साल 8 साल समथिंग, तब स्कूल में तब गाते थे, तब मेरे अंकल जी हैं मेरे पापा के छोटे भाई रमेश जी सिसोदिया, उन्होंने मेरे को मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट किया, मुझे सिखाने में भी उनका ही हाथ है। और जब मैं स्कूल मतलब मुझे आज साथ में वो गवर्नमेंट टीचर है वो मेरे को साथ में लेके जाते थे स्कूल में और मुझे गवाते थे 15 अगस्त 26 जनवरी वगैरह, तब थोड़े लोग होते थे तो वो हौसला खुला हुआ नहीं था। फिर धीरे धीरे थोड़ा और एक गांव में प्रोग्राम हुआ, वहाँ पे गाया। उसके बाद में एक प्रोग्राम हुआ था माता जी का, पाली डिस्ट्रिक्ट में कोई गांव है वहाँ पे, जहाँ पे फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल लगा था और मैंने वहाँ पे इतनी पब्लिक में गाया था। तब फिर वो चीज़ यूट्यूब पे आई और मुझे लगा कि नहीं, लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है और मुझे बहुत आशीर्वाद मिल रहा है भक्तों का, तो शायद मैं इस फील्ड में आगे जा सकती हूँ। तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला और बस यही पॉइंट है कि तो मैडम जब आपकी मतलब आपका पहला कौन सा सॉन्ग था जहाँ से आपकी पहचान हुई थी राजस्थान में? मेरा राजस्थान में एक माजसा का भजन था जी जी, उससे मुझे मतलब भक्तों का बहुत यूट्यूब के माध्यम से बहुत बहुत ज़्यादा जो मिलियंस में उसके लोग गए और बहुत ज़्यादा मुझे प्यार मिला, वो था जसोल रानी माता भटियाणी का भजन, रात सूती ने माने सपनों आयो हिचकी याद सतावे। और वो भजन आज मुझे हिचकी के नाम से ही मुझे मतलब जानते हैं। तो मैडम हमारे ऑडियंस के लिए भाई मजा है सॉन्ग की। अच्छा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। रात सुती ने माने सपनों जी आयो मने हिचकी याद सतावे, रात सुती ने माने सपनों जी आयो मने हिचकी याद सतावे, जसोल वाली माजी सा मने अपरी याद सतावे, ओ जसोल वाली फटियाणी मा मने अपरी याद सतावे। ये था वो भजन जिससे मुझे बहुत पॉपुलरिटी मिली। तो हम दोनों भाई आपके खूब आभारी है, हम भाग्यशाली कि हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं कि आप राजस्थान के जाने माने सिंगर हो और आपके मतलब काफ़ी फैम भी है। और हम जैसे उस दिन हमने आपके साथ लाइव की थी उसके दिन के बाद हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं कि हम उस दिन से आपसे जुड़े हैं और हमें अच्छा लग रहा है कि आपका हम इंटरव्यू ले रहे हैं एंड हम दोनों भाई की मनोकामना है कि आप खूब तरक्की करो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और ये जो जो भी लाइव जो यूट्यूब पे ये वीडियो चढ़ेगा और सभी भक्तजनों से मेरा निवेदन है, मेरे जितने भी फैन फॉलोइंग हैं ट्विंस व्लॉगर्स सिरोही, आप इनको फॉलो करना है और इनको सपोर्ट करना है, ये मेरा आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इन दोनों भाइयों को आपको सपोर्ट करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच मैडम, आपने इतना बताया हमारे सभी फैन को, तो आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल पर इंटरव्यू दिया। और बाकी तो आप हमारी यही दुआ कि आप बहुत तरक्की करो और राजस्थान का
बहुत नाम करो और हमारे लाइफ को भी सेवा हो तो बिल्कुल हमें याद करना, हम ऑलवेज रेडी आपके लिए। यही कामना है कि आप दोनों बहुत आगे जाओ और ऐसे ही अपने राजस्थानी जो लैंग्वेज में आप जो वीडियोस बनाते हो वैसे ही बनाते रहिए और राजस्थान का नाम रोशन। थैंक यू सो मच मीन्स अ लॉट। सोनू जी के इंटरव्यू से ये पता चला कि कभी कभी हार नहीं माननी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, अपने काम के प्रति लगन होनी चाहिए तो हम सफल हो सकते हैं, और भी करनी चाहिए और ये वो भी हमारे लिए एक मोटिवेशन है। और छोटी सी उम्र में वो राजस्थान के एक जाने माने सिंगर बने हैं तो हमारे लिए वो एक मोटिवेशन है। और दूसरी बात, उन्होंने बताया उस इंटरव्यू के द्वारा कि उनकी शुरुआत एक यूट्यूब के माध्यम हुई थी और उन्होंने कई एक प्रोग्राम में गीत गाया था, उसके बाद वो प्रोग्राम YouTube पे गया, उसके बाद उन्होंने सॉन्ग गाते रहे। इंटरव्यू से हमें पता चला कि हिम्मत नहीं आनी चाहिए, आपकी शुरुआत एक छोटी हुआ बड़ी वो मायने रखती, आपका मेहनत वो है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, एग्जांपल है हमारे लिए कि वो राजस्थान के बड़े बड़े सिंगर जैसे प्रकाश माली, आशा वैष्णव जी और भी कई नाम हैं, उनके साथ वो बैठते हैं गाना गाते, वो एक बहुत बड़ी बात है। जैसे और हमारे मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि सपने सच होते हैं तो उसके लिए मेहनत करनी है। और जीता जागता एग्जांपल है सोनू जी सिसोदिया जो एक कम उम्र में राजस्थान में बहुत अपनी पहचान, और राजस्थान के अलावा गुजरात हर जगह महाराष्ट्र वगैरह उनको बहुत लोग जानते हैं, एक बहुत एग्जांपल है बड़ा हमारे लिए कि कोई भी इंसान आगे बढ़ सकता है, बस हमारी मेहनत और लगन होनी चाहिए काम के प्रति। पहला भजन था माझी सा के नाम से, तो उस भजन से वो यूट्यूब पे और राजस्थान में एक अपनी बहुत अलग पहचान बना दी है। और उसके साथ बड़े बड़े सिंगर के साथ वो गाते हैं, प्रकाश माली, आशा वैष्णव, नीता नायक एंड और भी लोग हैं, और भी सिंगर हैं राजस्थान के, वो सबके साथ गाते हैं। तो इतनी कम उम्र में इतनी सक्सेस पाना, पूरे राजस्थान में नाम करना एक बहुत बड़ी बात है, तो हमें भी सीखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत आपका आभार है सोनू जी सिसोदिया और आपकी पूरी फैमिली का, और हमारे लिए स्पेशल थोड़ा टाइम निकाला और आपने बारे में बताया, तो तहे दिल से धन्यवाद। और हम यही दोनों भाई मनोकामना करेंगे कि आप खूब तरक्की करो, राजस्थान के पूरे भारत में आपका नाम हो और ऑलवेज ऐसे खुश रहो और हेल्थी रहो। जय श्री राम।